अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अगर आप आते हो तो ऐसे में सऊदी अरब में जो इंडियन हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा हो चुकी है। मतलब यही है कि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आकर फंस चुके हैं। दोस्तों इसका कारण यही है क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट कफाला सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बना कर रखी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स फंसे हुए हैं और ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो सप्लाई कंपनी में आते हैं, इसलिए भी आप मान सकते हो उस सिस्टम में फंस चुके हैं। यहाँ पर कंपनी कोई भी रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही है, ऐसे में आपकी इस पर क्या राय है? दोस्तों कफाला सिस्टम को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभी आप न्यूज़ भी देखते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि सऊदी अरब का ऐसा कफाला सिस्टम है जिसमें आप आकर फंस जाते हो तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आप आते हो सऊदी अरब में तो ऐसे में कफाला सिस्टम यही सिस्टम है कि आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा कि आप बाहर में जाकर काम करें या आपको तनाजल दिया जाए, मतलब ऐसा मौका आपको दिया नहीं जाएगा। इसका कारण यही है कि जब भी आपका एकामा एक्सपायर होने वाला होता है तो उससे 10-15 दिन पहले ही आपकी कंपनी आपका कपिल आपका एकामा रिन्यूअल कर देती है। इसके अलावा आपको सैलरी भी टाइम पर दिया जाता है, चाहे वो कम दिया जाए। अगर सैलरी नहीं दिया जाता है तो वो भी वहाँ पर आपको 2 महीने तक ही नहीं दिया जाएगा। अगर 3रा महीना लग जाता है तो वहाँ पर आपके अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए जाएंगे ताकि आप बाहर ना जा सकें। ये कफाला सिस्टम का एक मान सकते हो जाल है और जाल में जितने भी लोग फंस चुके हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी तड़प रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अभी सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि लोग यहाँ पर खाने के लिए भी पैसे मांग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं। ऐसे में आपकी इस पर क्या राय है? इसके अलावा हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में अगर आप आते हो तो अब कीवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी एक नई सर्विस चालू की गई है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि कीवा के माध्यम से आप अपनी सैलरी सर्टिफिकेट भी ले सकते हो डाउनलोड करके। तो यह एक बड़ी अपडेट है, इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें।